हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयश्री टैरेट। कैसे हैं आप सभी लोग? होप अच्छे होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके अंदर क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपकी अच्छी लग रही हैं उन्हें। सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, चीज़ें आपके अंदर क्लियर होती नज़र आ रही हैं उनको, ये क्वालिटी उनकी आपको बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त। अभी जो आपके थॉट्स हैं, जो आप पहले सोचते रहते थे, तो हो सकता है बहुत कंफ्यूजन में रहते हों, परेशान रहते हों, एक चीज़ को डिसाइड ना कर पाते हों, तो अब उन चीज़ों को आप सही करने लगे हों। ये क्वालिटी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आपकी इंटेलेक्ट जो है वो स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। ये क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी लाइफ में क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं होंगे उन चीज़ों से, हम हमेशा कन्फ्यूज़न में ही जीते रहेंगे। क्या यार ये ऐसा था, हो सकता हो ये ऐसा हो सकता था, मैं ऐसा चला गया, मैं वैसा चला गया, काश ऐसा हो गया होता, काश वैसा मैंने कर लिया होता। तो काश हमेशा लगा रहता है जब तक हम अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेते। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है कि आपकी क्लैरिटी, आपका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है उनको। आप एक अच्छे पाथ पर मुझे लग रहा चलना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यहाँ पर आपने बिल्कुल फोकस कर लिया होगा कुछ लोगों को, कि कुछ लोग पर्सन जो यहाँ पर हैं कि स्ट्रांग बन रहे हैं, उनके अंदर लड़ने की क्षमता आ रही है, अपनी चीज़ को रखने की क्षमता आ रही है, अपनी बातों को रखने की क्षमता आ रही है, अपने आप को लोगों के सामने खड़ा करके बात करके अपने आप को जिताने की क्षमता आ रही है। जिताने इन द सेंस कि मैं इस बात को, इस चीज़ को पूरा करना चाहता हूँ और मैं पूरा करके रहूँगा। ये क्वालिटी आपकी अगर आपके अंदर आ रही है, तो ये क्वालिटी उनको बहुत पसंद आ रही है यहाँ पर। सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है। और आप एक स्ट्रांग पर्सन बन रहे हैं, इंटेलेक्ट के साथ साथ आप एक बहुत मजबूत पर्सन बन रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को अच्छी लग रही है। आप रेडी हैं कि जो भी होगा मैं देखा जाएगा, मैं बस अब चीज़ों को करूँगा और लास्ट स्टेज तक उसको लेकर जाऊँगा, हार नहीं मानूँगा। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है यहाँ पर, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा सुधार होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और यही क्वालिटी आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से उनसे बात करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो है अपने रिश्ते में दोबारा से रीस्टार्ट किया है उन्होंने, उनको फिर से एक नया ऑप्शन दिया है कि चलो अब हम फिर से अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं, एक नया किक दिया है कि फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नए तरीके से हम अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिनसे भी रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है हमारे रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन गड़बड़ाया यानी सब गड़बड़ाया, और ज़्यादातर यही होता है कि कम्युनिकेशन ही ख़राब हो जाता है। ओके, यहाँ पर आया 10 अवार्ड। अपने जिम्मेदारियों को आप ख़त्म करने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, अपनी चीज़ों को, अपना जो भी अभी तक स्ट्रेस चल रहा है, बर्डन चल रही है आपकी लाइफ में यहाँ पर, उन चीज़ों को यहाँ पर आप ख़त्म करने की तैयारी में हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई है यहाँ पर। मैं बहुत खुश हूँ कि जिनके भी पर्सन के अंदर ये सुधार आ रहा है, वो बहुत अच्छी एनर्जी में है यहाँ पर, बहुत अच्छी एनर्जी में है, मैं क्या बताऊं। सो ये बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने एक नए चैप्टर में अपने आप को लेकर जाना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके ओके, कुछ लोगों के पर्सन जो है अब अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे, अब अपने पर्सन को हर्ट नहीं होता हुआ देखेंगे, और ये चीज़ आपके बहुत अच्छी उनको नज़र आ रही है कि अब आप ज़्यादा दुखी नहीं रह रहे हैं, अब आप ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगे हैं, पहले से ज़्यादा आप खुद को, अपने आप को स्ट्रांग करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा आप खुद को अब अकेलेपन में नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके पर्सन को यहाँ पर पसंद आ रही है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट बहुत कर रहा है, जिनकी बातचीत हो रही है,
वो सपोर्ट बहुत कर रहे हैं यहाँ पर, आपको पिछली चीज़ों से बाहर निकालने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं, नई चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। बैलेंस बिठाना स्टार्ट कर दिया है आपने, ये क्वालिटी आपकी बहुत पसंद आ रही है उनको, जिसके साथ जो रेजोनेट करे सिर्फ वही चीज़ें लीजिएगा प्लीज़ गाइस। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है, आप अपने चीज़ों को घर परिवार फैमिली जो भी है आपके पर्सन सब चीज़ों को आपने मैनेज करना शुरू कर दिया है, बैलेंस बिठाना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप हम हमेशा रहेंगे तो ये क्वालिटीज़ हमारे रिलेशन को कभी ख़राब होने ही नहीं देंगे। और ये देखें ब्यूटीफुल कार्ड निकल कर आ गया है, आप अपने रिश्ते को सक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश में जुट गए हैं और उस कोशिश को आपके पर्सन देखकर बहुत खुश हैं। मैं क्या बताऊँ, ये क्वालिटीज़ उनको बहुत नज़र अच्छी नज़र आ रही हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कार्ड का मतलब ही है कि हम देर सही पर हम जीतेंगे ज़रूर, और ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, आपने अपने मन को बना लिया है कि जो मैं चाहूँगा करना चाहता हूँ मैं करूँगा और करके रहूँगा। ये क्वालिटी बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। तो अगर आप ऐसा आपने ठाना है तो प्लीज़ उस पर अड़े रहिएगा। अगर आगे आपको चीज़ें कमज़ोर नज़र आएँ कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या बहुत कठिन रास्ता है, देखिए कठिन रास्ता तो सारे ही होते हैं, कोई ईजी रास्ता नहीं होता है, बस हमारा टेस्ट वहीं तक होता है कि हम उस रास्ते पर खड़े रहेंगे या बैक स्टेप कर लेंगे। बैक स्टेप कर लेंगे यानी आप हार गए, खड़े रह गए आप जीत गए, भले ही आपको उतने रिजल्ट अच्छे ना मिले जितने आप चाहते थे, लेकिन आप तब भी जीत जाएंगे। लेकिन ये जो है ये आपको सक्सेस दिला के ही वापस लाएंगे, बिना सक्सेस के आपको वापस नहीं लाएंगे, लेकिन इनके साथ आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। और इस संघर्ष के साथ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इस संघर्ष के बाद जो जीत हासिल होगी ना उसमें लगेगा कि यस मैं जीता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये मेहनत की है अपने रिश्ते में, अपनी चीज़ों को सही करने में, अपनी चीज़ों को पाने में मैंने ये मेहनत की है। आपको भी खुद को गर्व फील होगा। तो ये क्वालिटी आपने अपने मन में अगर बनाई है तो ये क्वालिटी आपके पर्सन को बेहद पसंद आ रही है। सब मैं क्या बताऊँ, इस ऊर्जा के साथ रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इस ऊर्जा में जो रह रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं उनके लाइफ में होने वाली। ये देखिए अगेन फिर वही यूनिवर्स एंजल्स आपसे बार बार वही कह रहे हैं कि यस अपने आप को आपने हारने नहीं देना है और आप हार नहीं मान रहे हैं, यही क्वालिटी आपके जो पर्सन है उनको बहुत पसंद आ रही है। मैं बहुत पर्सनली खुश हूँ कि अगर आप इस एनर्जी में हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लेती हैं, बहुत ज़्यादा आपका टेस्ट चेक करती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी हो जाए, जोखिम हो जाए, कुछ हो जाए, मैं बस अब हार नहीं मानूंगा, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। और बहुत अच्छी सोच के भाई, कुछ भी हो जाए बस मैं मुझे खड़े रहना है तो खड़े रहना है, मुझे जीतना है तो मतलब जीतना है। और ये जज्बा अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी चीज़ को लेकर हो। ये सारी क्वालिटीज़ आपकी पर्सन को बहुत पसंद आ, मेजर क्वालिटीज़ यही निकल कर आई हैं कि आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है, आपने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने माइंड को आपने तैयार कर लिया है कि मुझे बस जीतना है, अपने रिश्ते पर काम करना है, अपनी चीज़ों पर काम करना, और मैं हर चीज़ हासिल करके ही रहूँगा। और ये चीज़ उनके दिल को बहुत छू गई है, बहुत खुश हैं। तो ये कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये आज की रीडिंग थी, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।